नमस्कार, मैं आशुवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उद्योग के निबंधन के प्रति जागरूकता के लिए लगेंगे कैंप। बिहार में पहली बार यहां लगा वुड एग्जीबिशन। अस्पतालों में मिशन 60 से बदलाव की होगी जमीनी पड़ताल। रबी की बुआई में 8 अग्रणी राज्यों में बिहार भी शामिल। ईशान के धमाकेदार पारी के बाद रोहित ने तस्वीर साझा कर दी अपनी प्रतिक्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। PGCIL ने 211 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड PGCIL ने विभिन्न डिसिप्लिन में डिप्लोमा ट्रेनिंग के कुल मिलाकर 211 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.powergridindia.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। उद्योगों के निबंधन के प्रति जागरूकता के लिए लगेंगे कैंप। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप फोनट्रिक के द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद अब बिहार में उद्योगों के निबंधन के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए जिलों में कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें वे सभी लोग शामिल होंगे जो नए नए उद्यमी हैं या जो पहले से उद्यमी हैं। बता दें, इस कैंप की जिम्मेदारी उद्योग मित्र के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार उद्योग मित्र के माध्यम से उद्योग के निबंधन की सूचनात्मक जानकारी प्रिंट कर जिलों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका उन लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। इस कैंप में सभी प्रकार के उद्योगों के निबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिहार में पहली बार यहां लगा वुड एग्जीबिशन। राजधानी पटना के गांधी मैदान में ही नहीं, बिहार में पहली बार वुड एग्जीबिशन लगाया गया है। इसमें बिहार के सभी जिलों से आए व्यापारी पहुंच रहे हैं और टेक्नोलॉजी मशीन की जानकारी ले रहे हैं। यहां घरों, बिल्डिंगों, कार्यालयों और अन्य संस्थानों पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले फर्नीचर पर कई तरह के डिजाइन बनी हुई आकृति देखने को मिल रही है। विभिन्न प्रकार के फर्नीचर जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, बेड, अलमारियाँ, मेज, कुर्सी पर खूबसूरत नक्काशी दिखाई दे रही है। वहीं लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करने का मशीन वुड एग्जीबिशन में लगाया गया है। इस खास एग्जीबिशन में 50 से ज्यादा काउंटर लगाए गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से व्यापारी मशीन लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में मिशन 60 से बदलाव की होगी जमीनी पड़ताल। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों में मिशन 60 की शुरुआत की गई। वहीं अब इसके पहले चरण में मिशन क्वालिटी की जांच की जाएगी और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पता किया जाएगा इसकी जमीनी हकीकत क्या है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिशन 60 के तहत राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के रंग रोगन से लेकर शौचालय, बेड, ड्रेनेज, पार्क, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था आदि मिलाकर कुल 31 तरह के कामों को किया गया है। वहीं इन्हीं कार्यों को देखते हुए जिला की ओर से सदर अस्पतालों की रैंकिंग की गई थी, में से पहला स्थान भागलपुर को दिया गया था। वहीं सबसे निचले पायदान में बिहार का मुंगेर जिला रहा। एक बार फिर समिति के 3 सदस्यों के द्वारा सदर अस्पतालों की सूक्ष्मता से जांच की जाएगी, जिसमें यह सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा कि अस्पताल की स्थिति क्या है और पहले क्या स्थिति थी, जिसके बाद ही 12 से 4 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नालंदा में बने डेंटल कॉलेज का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज बिहार के नालंदा जिले में बने 410 करोड़ की लागत से डेंटल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इस डेंटल कॉलेज की तैयारियों का जायजा खुद अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा लिया गया है। इस कॉलेज की नींव 2019 में नीतीश कुमार के द्वारा ही रखी गई थी। बेहतर तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटल कॉलेज में अगले सत्र से 100 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। रबी की बुआई में 8 अग्रणी राज्यों में बिहार भी शामिल। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बिहार में रबी फसल की अधिक बुआई की गई है। इसी को लेकर अब बिहार रबी की अधिक बुआई करने वाले 8 राज्यों में से 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में रबी का रकबा 25% तक बढ़ा है, जिसमें से बिहार की ओर से 8 से 10% का योगदान रहा है। आपकी जानकारी लिए आपको बता दें कि बिहार में 2.24 लाख हेक्टेयर में रबी की बुआई अधिक रही। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष बिहार में 22.40 लाख हेक्टेयर में रबी फसल की बुआई की गई थी। फिलहाल अभी के अंतिम आंकड़े आने में समय शेष है, लेकिन अनुमान के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बिहार में रबी फसल की अधिक बुआई हुई है। बिहार के अलावा इस सूची में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा शामिल है।
बिहार के ये पांच अति प्राचीन मंदिर जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। बिहार अपने समृद्ध इतिहास, कला, नृत्य और विरासत के लिए जाना जाता है। राज्य के कई सारे मंदिर हैं जिनका अपना समृद्ध इतिहास रहा है। उन्हीं में से आज हम पांच ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की बात करने जा रहे हैं जो अति प्राचीन है, करीब हजारों साल पुराना। सबसे पहले हम बात करेंगे महाबोधि मंदिर की। वो स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। दूसरे नंबर पर है हरिहरनाथ मंदिर। यह मंदिर सारण जिले के सोनपुर में है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु और शिव एक ही लिंग में स्थापित हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे विष्णुपद मंदिर की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पिंडदान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यह है बद्रीनाथ का ब्रह्म कपाल क्षेत्र, हरिद्वार का नारायणी शिला क्षेत्र और बिहार का गया क्षेत्र। यही मंदिर वहां स्थापित है। चौथे नंबर पर तख्त श्री हरिमंदिर शामिल है जो पटना सिटी में है। यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे हनुमान मंदिर की। उत्तर भारत का यह बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है जहां वीर हनुमान के दो विग्रह मौजूद हैं। ट्रेन में सामान छूट गया हो तो ना हो परेशान। पूर्व मध्य रेलवे इन दिनों यात्रियों की सहायता के लिए कई तरह के अभियान चला रहा है। ऑपरेशन अमानत भी उन्हीं में से एक है। इसके तहत यात्रा के दौरान यात्रियों के छूटे गए सामान को आरपीएफ द्वारा एकत्र कर लिया जाता है और उसे आवश्यक प्रक्रिया के बाद यात्री को सौंप दिया जाता है। इस ऑपरेशन के जरिए इन दिनों कई लोगों को उनका छूटा हुआ सामान आरपीएफ ने दिया है। ऐसे में आपके भी अगर सामान छूट गए हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। गाजीपुर रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ऑपरेशन मानद के तहत अगर किसी यात्री का सामान यात्रा के दौरान छूट जाए तो छूटे हुए सामान के संबंध में यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा 182 पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हर संभव तरीके से यात्री को उक्त सामान उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। ऑपरेशन अमानत की तरह ही ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते भी चलाया जा रहा है जिसके तहत खोए हुए लोगों को खोजबीन की जाती है। किसानों को नहीं मिल रहा रबी बीज। 15 दिसंबर तक रबी सीजन होने के बावजूद भी अब तक बिहार के कई किसानों को मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत रबी फसल नहीं मिल सका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को बीज उपलब्ध कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। वहीं सरकार की ओर से इसमें 90% अनुदान देने का भी प्रावधान है, लेकिन यह बीज राज्य के हर राजस्व ग्राम के 2 किसानों को है मुहैया कराया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल कृषि विभाग के पास तीव्र बीज विस्तार योजना वाले बीज उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि किसानों को अब तक बीज मुहैया नहीं कराया जा सका है। बिहार में बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठंड। बिहार में ठंड के साथ कोहरा घना होता जा रहा है। बर्फीली हवाओं के प्रवाह से तापमान में गिरावट जारी है। राज्य में गया सबसे ठंडा शहर रहा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अनुसार 14 दिसंबर तक के पूर्वानुमान में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान साफ तथा मौसम शुष्क रहने की संभावना, अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस अवधि में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा सकता है। सुबह में हल्का कुहासा छाया रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की भी संभावना है। नगर निकाय चुनाव आचार संहिता पालन के लिए बनाई गई 15 टीमें। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए पटना जिले में 15 आदर्श आचार संहिता अनुपालन की टीम बनाई गई है। टीम ने अपने अपने क्षेत्र में काम भी करना शुरू कर दिया है। इसमें 10 नगर परिषद, 2 नगर पंचायत और 1 पटना नगर निगम के लिए टीम बनाई गई है जो प्रचार वाहनों और प्रत्याशियों पर नजर रख रही है। इधर चुनाव को देखते हुए आज से वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था हेमंत कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता अनुपालन हो इसके लिए प्रत्येक नगर निकाय क्षेत्र के लिए टीम बनाई गई है। जिला नियंत्रण कक्ष से इसकी निगरानी की जा रही है। संजय मिश्रा ने बताया फिल्म वध को लेकर किन चुनौतियों से हुआ सामना। बिहार में जन्मे अभिनेता और संजय मिश्रा हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर किरदार को खास बना देते हैं। अपनी हालिया रिलीज फिल्म वध को लेकर वह काफ़ी सुर्खियों में हैं। कॉमेडी और सीरियस फिल्मों के बीच वे आगे भी ऐसा संतुलन बिठाना चाहते हैं। उनकी फिल्म और करियर पर उनसे हुई एक न्यूज़ पोर्टल की खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि फिल्म वध को लेकर किन चुनौतियों से आपका सामना हुआ, इस पर उन्होंने कहा कि यह फिल्म दर्शकों के लिए भी अलग होगी। लोगों को लगेगा कि संजय मिश्रा हैं तो कुछ हंसी मजाक तो होगा ही। फिल्म देखकर अगर उनके मुंह से निकला कि ये क्या कर दिया यार, यहाँ भी कमाल कर गया, तो वहाँ मैं सफल हो जाऊँगा। वैसे चैलेंज मेरा नहीं, राइटर डायरेक्टर का है कि उन्होंने इस किरदार में मुझे कास्ट किया।
मानकों पर खड़ा नहीं उतरने वाले आईटीआई की रद्द होगी मान्यता। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों की टीम जल्द ही बिहार राज्य में 1200 से अधिक निरीक्षण करने वाली है। वहीं इस जांच के दौरान जो भी आईटीआई के मानक पर खड़े नहीं उतरेंगे उन सभी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसकी तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा भेजी गई अनुशंसा को केंद्र सरकार स्वीकार करेगी और आईटीआई की संबद्धता समाप्त कर देगी। बता दें कि यह पहली बार है जब राज्य सरकार के द्वारा बिहार के सभी निजी आईटीआई की जांच की जा रही है। 15 दिसंबर तक संचालकों को अपने संस्थानों के बारे में पूरी जानकारी भरकर गूगल फॉर्म पर देनी होगी, जिसके बाद संचालकों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही विभाग के अधिकारी के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इमारतों का मलबा नहीं होगा बेकार, रिसाइकल कर दोबारा किया जाएगा इस्तेमाल। वैसे मलबे जो किसी मकान के या इमारतों के ध्वस्त होने के बाद बच जाते हैं, अब उनका रिसाइकल कर इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अब उन मलबों का इस्तेमाल रिसाइकल कर ईंट, पेवर ब्लॉक समेत अन्य निर्माण सामग्री के निर्माण कार्य में किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर नीति बनाई जाएगी, जिसका जिम्मा भवन निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। यह नीति इसलिए लागू की जाएगी ताकि भवन निर्माण के बाद सारे जगह कचरा ना फैले और साथ ही वायु प्रदूषण में भी कमी आए। इस नीति को लागू करने के लिए सरकार का फोकस मुख्य रूप से RRR कॉन्सेप्ट पर केंद्रित है, जिसका मतलब रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूज शामिल है। फिलहाल इसके लिए एक बैठक आयोजित कर दी गई है। वहीं एक और बैठक आयोजन करना है, जिसके बाद इस नीति का अंतिम रूप देकर इसे मंत्रिमंडल में ध्यानार्थ भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव पहुंचे पटना। तेजस्वी यादव बीते दिन पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लालू जी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद और बेहतर हुआ है। मेरी बहन रोहिणी आचार्य के स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के कुढ़नी उपचुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुढ़नी को लेकर समीक्षा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल और दिल्ली ने बीजेपी का क्या हाल हुआ, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार का आरोप, बीजेपी ने साजिश करके हमारे विधायकों को हराया। जदयू के खुला अधिवेशन बीते दिन पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शुरू हुआ, जहां नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2020 के चुनाव में जदयू ने बीजेपी का पूरा साथ दिया, मगर उन्होंने साजिश करके हमारे प्रत्याशी को ही हराने का काम किया। 2005 से लगातार हमारे विधायकों की संख्या बीजेपी विधायकों से ज्यादा रही है। चुनाव में खड़े प्रत्याशियों ने खुलकर बीजेपी के साजिश की बात कही है। बीजेपी वाले कुढ़नी में जीत पर खुश हैं, मगर हिमाचल और अन्य जगह पर मिली हार की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने नेताओं से अपनी कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी की सूचना मिले तो शिकायत करें, ताकि उसकी जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई की जा सके। सुशील मोदी ने नीतीश की विपक्षी एकता पर उठाया सवाल। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नीतीश की विपक्षी एकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की क्षमता अब कम हो गई है और यही वजह थी कि जिसकी वजह से 44 सीटों पर सिमट के रह गया, लेकिन उन्होंने अपनी इस हार का बीजेपी पर ठिकरा फोड़ा है। अगर ऐसा था तो अब गोपालगंज, कुढ़नी और दिल्ली के चुनाव में क्यों हार गई। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिन बयान जारी कर यह कहा कि नीतीश कुमार ने अपने विपक्षी एकता की मुहिम में अपनी विफलता को स्वीकार कर लिया है। उन्हें 2024 की ही नहीं बल्कि 2019 की तैयारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की इच्छा रखने वाले नीतीश कुमार कभी जेपी नहीं हो सकते, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए जेपी जैसा चेतना विराट व्यक्तित्व होना जरूरी है। देश मांगे नीतीश का पोस्टर जारी। बीते दिन रविवार को जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि झारखंड से आए नेताओं के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं और साथ ही उसमें लिखा गया है देश मांगे नीतीश। इसके अलावा इस पोस्टर में नीतीश कुमार का बखान भी किया गया है। झारखंड के नेताओं के द्वारा जारी किए गए इस कैलेंडर से यह पता चलता है कि नीतीश कुमार अब बिहार की गद्दी छोड़ दिल्ली की बागडोर संभालने की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी के निशाने पर जदयू के ललन सिंह। बीते दिन प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के किए गए दावे को लेकर उन पर हमला किया है। बता दें कि पटना में जदयू के खुला अधिवेशन के मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा यह दावा किया गया है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने ललन सिंह को निशाने में लेते हुए कहा कि भारत को भाजपा मुक्त करने का सपना देखने वाले लोग पहले खुद समझ लें कि कहीं वह मुक्त तो नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भाजपा मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन बिहार 2025 में जदयू मुक्त अवश्य हो जाएगा।
ईशान के धमाकेदार पारी के बाद रोहित ने तस्वीर साझा कर दी अपनी प्रतिक्रिया। ईशान किशन की इस पारी पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। बीते दिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से ईशान की तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा कि यह क्लब का मजा अलग है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा इस क्लब के सरताज हैं। उन्होंने सर्वाधिक 3 बार 200 या इससे अधिक की पारी खेली है। वनडे क्रिकेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 264 है। ताते चले कि बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन को मौका रोहित के जगह पर ही मिली थी। रोहित को दूसरे वनडे मैच के दौरान कैच लेने के प्रयास में चोट लग गई थी। यही कारण है कि ईशान किशन को प्लेइंग 11 में मौका मिला और उन्होंने विस्फोटक पारी खेलकर दोनों हाथों से इस मौके को भुनाया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बालकृष्ण शिवराज मुंजी का जन्म 1872 में हुआ। तमिल एवं हिंदी फिल्म अभिनेता रजनीकांत का जन्म 1950 में हुआ। भारत के क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह का जन्म 1981 में हुआ। राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त का निधन 1964 में हुआ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जे एच पटेल का निधन 2000 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक एवं ख्याति प्राप्त धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर का निधन 2005 में हुआ। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का निधन 2012 में हुआ। भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 1996 में गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी पीएम मुद्रा योजना की। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक स्वीकृति पत्र ऋण सुरक्षा बीमा शुल्क के रूप में 2000 के भुगतान पर पीएम मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये का ऋण देने का दावा करता है। पीआईबी ने आगे लिखा कि यह लेटर फेक है। वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई लेटर इशू नहीं किया है। क्या फोन पर बातचीत के दौरान आ रही ऐसी आवाज तो हो जाए सतर्क। कॉल रिकॉर्डिंग करना कई देशों में गैर कानूनी है। इसको देखते हुए गूगल ने भी कॉल रिकॉर्डिंग वाले थर्ड पार्टी ऐप्स को कुछ समय पहले बंद कर दिया था। यानी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। इसके लिए यूजर को फोन के इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर का यूज़ करना होगा। हालांकि इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को ऑन करने पर सामने वाले को इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमारी कॉल रिकॉर्ड कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसके बारे में पता किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। पहला ये कि बिप साउंड पर ध्यान दें। दूसरा, कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल टैपिंग में फ़र्क समझें। अगर कॉल के दौरान बीप की जगह लंबी बीप या दूसरे टोन की आवाज़ आती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब WhatsApp पर मिलेगी रेलवे की पार्सल बिल्टी की सूचना। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से हुई परिचर्चा में DRM एवं DCM ने कहा कि रेलवे एवं डाक पार्सल दोनों आपस में मिलकर डोर टू डोर पार्सल के लिए माल कलेक्शन करेगा। इसकी बिल्टी की सूचना व्हाट्सएप पर स्वीकार किया जाएगा। मालदा डिवीजन के DCM पवन कुमार ने कहा कि व्यापारी कोई भी पार्सल रेलवे द्वारा भेजते हैं तो उसके माल का इंश्योरेंस भी किया जाएगा। इस पर चैम्बर के उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि रेलवे द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी समय पर हो, इसके लिए भी रेलवे को अपनी योजना निर्धारित करने पर सुझाव दिया। रेल यात्रियों को अब ट्रेनों में मिलेगा बिहारी खाने का स्वाद। रेल यात्री अब ट्रेनों में लिट्टी चोखा, दही चूड़ा समेत कई बिहारी रेसिपी का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों में खान पान सेवाओं को बेहतर बनाने तथा क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन को मेन्यू में बदलाव करने की छूट दी है। इसके तहत पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों में यात्रियों को बिहार का लिट्टी चोखा सहित चूड़ा, दही, मखाना की खीर, चना घुघनी यानी कि बिहारी व्यंजन का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ डायबिटीज वालों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। डायबिटीज की बीमारी वालों के लिए भी बिना चीनी वाली मखाना खीर, खिचड़ी, चोखा, दही चूड़ा आदि दिया जाएगा। IRCTC के क्षेत्रीय संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने जानकारी दी कि क्षेत्रीय खानपान को बढ़ावा देने के लिए यह योजना है। नए साल में राजधानी से इसकी शुरुआत की जाएगी और डायबिटीज मरीजों के लिए भी नए साल में इसकी शुरुआत की जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, गौतम उमेश, ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, चंद्रशेखर प्रसाद, अमृत प्रहलाद कुमार, धर्मवीर भक्त, कविता कुमारी, अनवर करीम खान, राम सेवक, के सिन्हा, अतीक खान, ऋषि कुमार, रंजीत कुमार ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार के कौन से अभिनेता ने बिहार का नाम सबसे ज़्यादा रोशन किया है। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।